ये बताइए ऑपरेटर को क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए काम करते टाइम? बहुत ही ऑपरेटर को भी ध्यान देना पड़ता है। हेल्पर को सीखने के टाइम क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बताइए? बहुत चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 9:30 हो रहा है और अभी का कुछ ऐसा सीन है, देख सकते हैं बादल बहुत ही लगा हुआ है, हो सकता है बारिश भी आज हो। और अभी उठा है, मैं जस्ट थोड़ा सा टाइम हुआ, नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या क्या नाश्ते में बना हुआ है। चावल है, दाल है और इसमें आलू का भाजी है शायद, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी नाश्ता निकाल लिया हम, देख सकते हैं। तो अभी नाश्ता हो गया वो, तो अभी नाश्ता करके इधर आया था, यहीं पे काम हो रहा है, देख सकते हैं रोड बना है, उसके बाद जाके इधर से काम हो रहा है। तो अभी इधर काम ख़त्म हो गया, मतलब अभी नहीं है, उसके बाद अभी इधर भाई सब मशीन लगा दिए। उनसे सवाल कुछ पूछते हैं। उस्ताद ये बताइए, हेल्पर को सीखने के टाइम क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बताइए? बहुत चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बताइए, जैसे कुछ कुछ बताइए बताइए। हेल्पर को सीखने के लिए सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीज़ बताइए क्या क्या, मतलब जो हेल्पर आसानी मतलब जल्दी सीख जाए। जल्दी क्या, पहले देखना है कि कैसे काम हो रहा है, ऑपरेटर कैसा काम कर रहा है, जब तक नहीं देखेगा कहाँ सीख पाएगा। तो मतलब सबसे आसान ये है कि आपको ये देखना है कि ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, कैसे मशीन लगाया है, और जो जो ऑपरेटर बोलता है वही आपको करना है। और कम से कम आपको 6-7 महीना तो साल भर तो आपको लगेगा ही। आप आसानी से सोचिए कि एकदम आसानी से हो जाए, 1-2 महीने में हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आदमी धीरे धीरे रह के ही सीखता है। ये बताइए ऑपरेटर को क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए काम करते टाइम? बहुत ही ऑपरेटर को भी ध्यान देना पड़ता है, कौन सा गाड़ी किधर से आ रहा है, अगर रोड साइड में चल रहा है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो बस हो गया छुट्टी। ऑपरेटर को मतलब हमेशा ध्यान लगा के ही रखना चाहिए, काम कर रहे रोड की साइड काम कर रहे या किधर भी काम कर रहे, तो पूरा ध्यान रहना चाहिए मशीन के पास, आपका इधर उधर ध्यान ना रहे तभी जाके आप सही से कर पाइएगा। बाकी देख सकते हो उस्ताद कितना जुगाड़ करके रखे हैं पूरा, वो चार्ज करने के लिए इधर उधर से पूरा जोड़ जा के तार वगैरह पूरा काम नहीं हो रहा है। क्या हो गया? डीजल नहीं है, डीजल खाली हो गया। हम लोग का भी डीजल की वजह से ही काम बंद है, हो सकता है कल परसों से स्टार्ट हो जाए, इनका भी डीजल की वजह से ही काम बंद हो। तो अभी रूम पर चलते हैं, ठीक उस्ताद, चलते बाय। तो अभी अपने रूम पर आ गया हूँ, देख सकते हैं इधर रूम है, इधर ही मशीन लगा हुआ था, और इधर ट्रक जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना ट्रक होगा। तो अभी एक पेड़ दिखाई दिया है, देख सकते हैं ये फल है, ये खाने वाला क्या चीज़ का मालूम नहीं पड़ रहा, ये तो मीठा मीठा है लग रहा है, पूरा लाल लाल हो गया हुआ। आप कमेंट करके बताइए कौन सा पेड़, अगर खाने वाला होगा तो ज़रूर खाएँगे, नहीं पता है क्या चीज़ का इसीलिए इसको नहीं खा रहे। अगर आप लोग को पता होगा कि क्या चीज़ का, देख लीजिए फल को, पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आकर देख लें बकरी चराने आती भी सोते अन समाचार अन समाचार उठाए थे ना उठा। और अभी शाम का 5 बज रहा है तो मार्केट अभी चलते हैं, मार्केट से राशन पानी लेकर आते हैं। और देख सकते हैं बारिश का मौसम था लेकिन बारिश नहीं हुआ, लेकिन उधर लगा हुआ लग रहा है, दिख रहा है, और सूरज भी डूबने वाला है। तो अभी मार्केट में आ गया हूँ, पीछे दुकान है, इसमें से कुछ पानी पूरी वगैरह खा लेते हैं पहले। तो अभी पानी पूरी खा लिया हूँ और अब चिकन लेने जाना है, चिकन लेके चलते हैं चिकन दुकान से। बस बस ज़्यादा नहीं मारे, तो अभी चिकन ले लिया और अब रूम पर चलते हैं। तो अभी रूम पर आ गया हूँ और अभी शाम का 6 बज रहा है, तो अभी शाम के 7 बज रहा है और मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा था, काट करके पूरा फुला दिया, इसलिए मोर्टिन जला दिया है, अभी मच्छर कम काटेगा। और उधर खाना भी बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो अभी देख सकते हैं खाना बन गया हुआ है और निकल भी गया, तो खा लेते हैं। वो देखिए उधर जा रहा, अभी खा लिया है और मैं भी खा लिया हूँ। और अभी 8:30 हो रहा है रात का, बारिश भी हो रहा है,
इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दोगे और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।